नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। घुटनों का गैप खत्म हो जाना, ऊपर और नीचे की हड्डी का मिल जाना, यही दर्द का कारण है। अगर आप एक्सरे में देख सकते हो तो देख लीजिए, आप भी अपने एक्सरे में देख सकते हैं। ऊपर हड्डी फीमर, नीचे टीबिया, दोनों में जो गैप होता है वो ख़त्म हो जाता है। बीच में गिरिश होती है, कहते हैं ना कि गिरिश ख़त्म हो गई। और इन गैप को ठीक करने के लिए जो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ बैठ के लेट के, तो आज हमारे साथ हैं श्रीमती बिमला देवी जी जो रोहतक से आई हैं। इनके भी घुटनों में गैप ख़त्म हो गया है। इनको गैप को ठीक करने के लिए इनको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि एक पैकेज बनवा लीजिए और अपनी अपनी कर लीजिए। विशेषकर जो गैप खोलने वाले जो एक्सरसाइज हैं और जिनका गैप ख़त्म हो गया है, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले मरीज को हम लिटा देंगे, लिटा के जो पहली एक्सरसाइज है ये करवाएंगे ताकि मांसपेशियां खुल जाए। और शुरुआत में सबसे पहले यही करना, आगे और पीछे करो, जैसे एक दो तीन चार, ये लेट के करने वाली या बैठ के करने वाली सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, एक तो ये कई ऐसे करते बस बारह तेरह, ऐसे फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप खिंचाव नहीं दोगे। मैं जी खिंचाव दो, ठीक है तेरह, फिर आगे की ओर खिंचाव दो चौदह पंद्रह सोलह। जब पीछे की ओर खींचेंगे तो नीचे की मांसपेशियां खींचेंगी, और जब आगे की ओर खींचेंगे तो ऊपर की मांसपेशियां खींचेंगी, तब लगेगा घुटनों में कुछ हो रहा है। तो 20 बार ये करने के बाद जो एक्सरसाइज मैंने भाग नंबर 4 में बता रखी है और अलग वीडियो बना रखा है, अब इस पैर को मोड़ेंगे, मोड़ के अपना हाथ या पेशेंट अपना हाथ खुद दे लेगा, ठीक है, या कुछ ऐसा कोई डंडा हो या कोई फोम रोलर हो वो दे लेंगे, नहीं अपना हाथ डाल लेंगे यहाँ पे और इसको हम दबा देंगे और 10 सेकंड के लिए दबा देंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है कोई भी एक्सरसाइज में उसको नहीं करेंगे, ध्यान दें इस बात पे। फिर पैर को बिल्कुल सीधा करेंगे, हो सकता है आपके घुटने में कट कट की आवाज़ आए, जब पैर सीधा करते तो कट बोलता है, कट तो बोलेगा क्योंकि हड्डियाँ मिली हुई है। फिर दबाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, फिर सीधा कर दो। सुबह भी 3 बार करना और शाम को भी 3 बार करना। फिर दबाइए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, पैर को सीधा कर लीजिए। इसी प्रकार इस पैर से करेंगे, अपना हाथ दबाइए और यहाँ से दबाइए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, पैर सीधा कीजिए। फिर मोड़िए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, फिर पैर सीधा कीजिए, फिर मोड़िए। अगर हल्की हल्की कट कट की आवाज़ आती है ना, तो एक दो बार में ठीक हो जाएगी वो कट कट की आवाज़। तो इसको लगभग 10 बार फिर गिनेंगे, 10। अब खुद कैसे करेंगे, खुद हाथ डालो, हाथ डाल लिया, अगर ऐसे कर सकते दिखा दो एक बार, खुद ऐसे कर सकते हो ऐसे कर लो, ठीक है, नहीं दूसरा पैर यहाँ रख लेंगे, हाथ से लग जाता है, मोड़ो, हाँ ठीक है। ये बैठ के भी कर सकते हैं, बैठ के करके दिखाइए, बैठ के करके दिखाइए, ऐसे 10 गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है। अब पैर सीधे कर लीजिए, इस प्रकार आप कर सकते हैं। दूसरा जो गैप खोलने के लिए, इस रोल को नीचे लगाएंगे, अगर रोल लगाने से घुटनों के नीचे दर्द होता है तो थोड़ा रोल ऊपर ही और कर लेंगे जंगा की ओर, ठीक है, पैर को और ऊपर। अब पीछे एक आगे दो, पैर को ऊपर रखना, पैर का लेवल यही रखना, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस डाउन, ये करना आप 5 बार, एक बार करके दिखा दिया,
एक बार बीच में टेकना, सांस भरना, क्योंकि सांस भी फूल जाएगा। फिर आराम से फिर ऊपर उठाओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ठीक है, दो बार करके दिखा दिया। अब निकाल लीजिए। अब अपने पैर के नीचे हाथ लगाइए, ऐसे ये जो आप करते हैं, ये वाला पैर को तान लीजिए पूरा। ठीक है, और मोड़िए अपनी ओर। नहीं नहीं, पहले ये करेंगे, एक दो पूरा तान लीजिए, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, डाउन। फिर इस पैर से, फिर इस पैर से। ठीक है, अब वो वाला करो, पूरा पैर मोड़ लेंगे पहले। हाँ, मोड़ लो, पंजा अपनी ओर मोड़ो। अब पैर को सीधा करो, एक नहीं, इसको यहीं रखो। अब मोड़ो, दो, जो आप करते हो ना पांचवें नंबर की एक्सरसाइज है, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अब इस पैर से करो, इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार। ठीक है, करो, मोड़ो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, डाउन। अब ये फॉर्म दबाओ, ये जरूरी है, हर किसी को करनी है ये फॉर्म वाले, तो दबाना है घुटने के नीचे की मांसपेशियां मजबूत हो जाए। ठीक है, 10 गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। पांच बार इस पैर से करेंगे, पांच बार इस पैर से करेंगे। एक उस पैर से और कर लीजिए, दबा लीजिए, दबाइए, दर्द तो नहीं हो रहा ना, पूरा दबा लीजिए। और एडी नहीं उठनी चाहिए, ध्यान देंगे इस चीज़ में। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। फिर इसी फॉर्म को हम आगे लगा लेंगे यहाँ, और इसको दबा देंगे। ठीक है, यहाँ जोड़ देंगे, अब इसको भी दबाएंगे और यहाँ भी जोड़ देंगे। फिर 10 गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। ठीक है, दोनों पैरों से बराबर कर। अब पैर को मोड़ लीजिए और इस फॉर्म को दबा लीजिए बीच में से। अगर आपके पास बॉल हो तो बॉल यूज़ कर लेना। ठीक है, आप बॉल यूज करके देखो, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगी। ऑनलाइन मिले तो मंगा लेना, नहीं अपना फॉर्म तकिया जो भी आपके पास हो ना वो यूज़ कर लेना। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। ठीक है, अब पैर लटका लीजिए, वेट वाली एक्सरसाइज करवा देते हैं आपको। ये सभी करेंगे, ये तो सभी के लिए ज़रूरी है। इधर बीच में आ जाइए थोड़ा। हाँ, सभी सीख जाए तो अच्छा है। और जिनके घुटनों में दर्द नहीं है ना, वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दर्द वो ही करें। पहले से सावधान हो जाए, क्योंकि ये बीमारी बहुत फैल रही है, एक प्रकार की महामारी होती जा रही घुटनों में दर्द। हाँ, दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अब एंटी क्लॉकवाइज, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। ठीक है, इतना ही करना, उतर जाइए। आप इसको वेट को बांध के घर में भी रसोई में भी डोल सकते हैं। तो चलो आप इधर आ जाइए, इस पे बैठ जाइए आप। हाँ, ये रसोई में
काम करो तो पहले पहले रह सकते हो, पर एक सप्ताह बाद या 10 दिन बाद जब आदत पड़ जाए जब। अच्छा। और पहले दिन बांधना आपको एक घंटा या आधा घंटा, लगे कि दर्द हो रहा तो आधा घंटा कर लेना, फिर अपनी रसोई में आधा दिन या 3-4 घंटा इसको बांध के कमरे में रसोई में चक्कर लगा रहता ना, भगवा रही है। अच्छा, फिर भी जो भी है मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उनको रसोई में, चाहे कितनी बड़ी उम्र की हो चाहे 65 साल की हो, वो रसोई में तो एक बार जाएगी, रसोई को नहीं छोड़ेगी। रसोई तो उनका एक प्रकार का धन है, खजाना है, रसोई में तो जरूर बढ़ेगी, चाहे बहू के साथ बढ़ी रहो। तो ये वेट बांध के रसोई में कमरे में आप डोल सकते हैं, अगर बांधे बांधे भी कुर्सी पे बैठ सकते हैं, ठीक है। पर आदत पड़े तब आपका जो गैप है वो खुल जाएगा। और जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है वो एक्सरसाइज करना, और भाग 3 है जो घुमाना उसमें, वो तो आप करते हो ना, जो सिंपल एक्सरसाइज वो तो आपको करनी है, जो एक्स्ट्रा करनी है जो मैंने आपको बताई है ना ये कर लेना, ठीक है। और कंटिन्यू करना। तेल बना लिया, नहीं बनाया है तो बना लेना, तेल बनाने की विधि का वीडियो देख लेना और तेल बना लेना। रोजाना मालिश करना, हो सके तो पहले मालिश करना, मालिश के बाद तेल को साफ करके और फिर अपनी एक्सरसाइज करना, क्योंकि घुटने ऐसे करती है, पहले मालिश करती है। पंजाबी ऐसा ही करते हो, पहले मालिश कर लिया करो, ठीक है। आप बहन जी मालिश करके फिर एक्सरसाइज करोगे तो ज़्यादा आनंद आएगा, आनंद का मतलब फ़ायदा होगा, ठीक है। और मैं फ़ायदे को ही आनंद बोलता हूँ, ठीक हो रहे हैं तो हमें मतलब आनंद ही आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे कर लेंगे और आप भी कर लेना, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, करोगे तो फ़ायदा होगा। और जो मेरे से नहीं जुड़े हैं वो भी मेरे से जुड़ जाइए, क्योंकि घुटनों के कोई इलाज तो है नहीं, ऑपरेशन है या फिर एक्सरसाइज है, तो आपके हाथ में है कि ऑपरेशन चुनोगे एक्सरसाइज चुनोगे। नहीं, दवाई खा खा के लोगों 2 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, ठीक है। जो चैनल पे नए हैं मेरे सदस्य बन जाइए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने सदस्य हैं मेरे देख रहे हैं आप शेयर करते हो वीडियो को, सबको भेजा करो। हम मेहनत कर रहे हैं ना, ये मेहनत सभी के पास जानी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे पास आए नहीं हैं और वो भी दूर बैठे बैठे ठीक हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, ये दूर बैठे बैठे ठीक हो रहे हैं, उनका एक पैसा भी नहीं लगा, एक रुपया भी नहीं लगा। जैसे गुजरात महाराष्ट्र के उधर उड़ीसा के लोग हैं, दूर बैठे बैठे ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो आप करते रहिए और आप भी करते रहिए, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।